वेलकम बैक गाइस टू योर ओन चैनल प्रियन कोर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया के बारे में, इसके इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में। इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। तो जब बात करते हैं हीमोफीलिया की, ये कौन सी डिजीज़ है, इसमें क्या होता है। हीमोफीलिया में ये होता है बेटा, अगर आपको कट लगता है, माइनर कट भी लग जाता है, तो क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं हो जाती है, इनकम्प्लीट क्लॉटिंग होती है या जल्दी क्लॉटिंग नहीं होती है। यूजुअली आपने क्या देखा है, अगर आपके बॉडी में कट लगता है, थोड़ा जितना कट छोटा होगा उतनी जल्दी क्लॉटिंग हो जाती है। हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं प्रेजेंट जो काम करते हैं, क्लॉटिंग हो जाती है, राइट। एक मैकेनिज्म चलता है, क्लॉटिंग के पाथवे चलते हैं जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो जाती है। छोटा कट होगा तो जल्दी क्लॉट हो जाएगा, डीप कट होता है तो टाइम लगता है क्लॉटिंग में। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर माइनर कट भी लग जाएगा तो क्लॉटिंग ईजिली नहीं होती है। कुछ बुक्स लिखती हैं कि क्लॉटिंग होती ही नहीं है, लेकिन हम ऐसा कहेंगे कि होती है, इनकम्प्लीटली बहुत टाइम लगता है या अच्छे से क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं ब्लीडर्स डिजीज़ भी, क्योंकि ब्लीडिंग हो जाती है यहाँ पे, वो रुकती नहीं है, इसको हम ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज। ओके, क्या होता है इस हीमोफीलिया में, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, वो कोई ना कोई क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। क्योंकि सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं क्लॉटिंग में, अगर एक भी एब्सेंट होगा उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है क्लॉटिंग प्रोसेस में। ओके, अब ये हीमोफीलिया जो है, इसको डिस्कवर किया था, देखा था सबसे पहले जॉन ऑटो ने, इसने इसको डिस्कवर किया था, देखा था 1800 कुछ में, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर द डेट्स। ओके, इट्स ऑफ थ्री टाइप्स, इसके तीन टाइप्स हैं हीमोफीलिया ए। यूजुअली हम बुक्स में दो टाइप्स पढ़ोगे, लेकिन तीसरा भी होता है हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, राइट। ये दो जो होते हैं, चाहे हीमोफीलिया ए हो या हीमोफीलिया बी हो, दीज आर सेक्स लिंक्ड, दीज आर एक्स लिंक्ड, यानी इनका जो डिफेक्ट जीन होता है प्रेजेंट, वो कहाँ पे होते हैं, इनके क्लॉटिंग फैक्टर जो डिफेक्शन आ जाता है वो किस में आता है, वो एक्स लिंक्ड पर जीन प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर जो डिफेक्ट हो जाता है। लेकिन जो हीमोफीलिया सी है, ये ऑटोजोमल होता है, यहाँ पे जो डिफेक्ट होता है वो किस में होता है बेटा, दैट इज इन ऑटोजोम्स। अब हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। सो जो हीमोफीलिया ए होता है, मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है बेटा, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, यानी ये तब अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा जब दोनों एलील्स क्या होंगी, डिफेक्टेड, जब ये कंडीशन होगी फीमेल्स में, और मेल्स में जब हिमीसेक्स कंडीशन होगी तब जाके ये अपना डिफेक्ट, अपना जो असर दिखाता है। इसी वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी अगर समझ जहाँ नहीं आया अभी, तो आगे जाके इसको हम इंशाल्लाह क्लियर कर लेते हैं आपको। इट फॉलोज क्रिस क्रॉस पैटर्न, तो ये बातें हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हीमोफीलिया ए में क्या होता है, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज एब्सेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस 8th क्लॉटिंग फैक्टर इज एब्सेंट एंड दिस इज नोन एज एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। इस एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर इज यहाँ एब्सेंट और है, राइट, इंपॉर्टेंट, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर 8 इज एब्सेंट, दिस इज द नेम ऑफ द
एट्थ फैक्टर, दैट्स एंटी हीमोग्लोबुलिन फैक्टर। असल में यूं होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे एक जीन है दैट्स कॉल्ड फैक्टर एट जीन, एफ एट जीन। ये एफ एट जीन क्या करता है, इट कोड्स फॉर दिस एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर, यानी इट कोड्स फॉर फैक्टर एट, एंड इट इज नोन एज एफ एट जीन। ये एफ एट जीन यहाँ पे डिफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से ये नहीं बन पाता है, फैक्टर एट एबसेंट होता है, और ये हीमोफिलिया, इट रिजल्ट इन हीमोफिलिया। सो वट हैपन्स ओवर हेयर, एफ एट जीन इज डिफेक्टेड बिकॉज ऑफ विच फैक्टर एट इज नॉट फॉर्मड, इट इज एबसेंट, और ड्यू टू इट्स एबसेंस हीमोफिलिया इज ऑकर्ड, हीमोफिलिया कंडीशन अराइज। ओके, हम जो हीमोफिलिया बी की बात करते हैं, हीमोफिलिया बी इसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है क्रिसमस डिजीज भी, क्रिसमस हीमोफिलिया, क्रिसमस डिजीज। इसको हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं, ऐसा क्यों है? यहाँ पे भी इसी तरह जो है, ये भी है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, राइट, इट्स आल्सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। और यहाँ पे भी क्रिस क्रॉस पैटर्न होगा, इससे जनरेशन पैटर्न, वो हम आगे देखते हैं इनहेरिटेंस जब उसको हम अभी पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। फिलहाल अभी ये बात रखिए याद कि इसमें कौन सा फैक्टर एब्सेंट होता है, यहाँ पे एक जीन डिफेक्टेड होता है, कौन सा जीन डिफेक्टेड होता है, एफ नाइन फैक्टर नाइन जीन जो होता है प्रेजेंट एक्स क्रोमोसोम पर, दैट इज डिफेक्टेड, एफ नाइन जीन इज डिफेक्टेड। इसके डिफेक्टेड होने की वजह से ये क्या करेगा, ये फैक्टर फैक्टर नाइन जो हमारा है, ये फैक्टर नाइन को नहीं बनाएगा, एफ नाइन जीन डिफेक्टेड है, जिसकी वजह से फैक्टर नाइन इज एब्सेंट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन नीट के लिए। सो फैक्टर नाइन इज एब्सेंट ओवर हेयर, इसका नाम क्या है, फैक्टर नाइन का नाम, इसका नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, कंपोनेंट, और हम इसे लिखते हैं पीटीसी, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, विच इज द नेम ऑफ फैक्टर नाइन, इट इज एब्सेंट ओवर हेयर ड्यू टू द डिफेक्टिव एफ नाइन जीन। अब इसको क्रिसमस डिजीज इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस फैक्टर नाइन वॉज, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किसने किया था, इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई स्टेफन क्रिसमस, नेम ऑफ द ऑब्जर्वर हु फर्स्ट सॉ दिस एफ नाइन फैक्टर, हिज नेम वॉज स्टेफन क्रिसमस, राइट, स्टेफन क्रिसमस। इसलिए इसको क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि यही फैक्टर नाइन यहाँ पे एबसेंट होता है। अब रॉयल डिजीज इसको क्यों कहते हैं, इसको रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं बिकॉज इट वॉज कॉमन इन रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप, क्वीन विक्टोरिया जो है वहाँ की, यूरोप की, इंग्लैंड की क्वीन, क्वीन विक्टोरिया, इससे आसान हो गए प्रिंस लियोपोल्ड वगैरह, उनके अंदर फिर चले गए ये डिजीज, चली गई डिजीज। इट वॉज ट्रांसमिटेड फ्रॉम क्वीन विक्टोरिया टू सम प्रिंस लियोपोल्ड अदर्स, राइट। सो दिस नॉट द इम्पॉर्टेंट पोर्शन, बट कीप दिस इन माइंड व्हाई इट्स कॉल्ड ए रॉयल डिजीज, बिकॉज इट वॉज वेरी मच वेरी कॉमन इन केस ऑफ द इन यूरोपियन रॉयल फैमिलीज, लाइक इट वॉज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द क्वीन। हम हीमोफिलिया सी की बात करेंगे पहले, हीमोफिलिया सी, हीमोफिलिया सी में क्या होता है, ये मैंने कहा कि ये सेक्स लिंक्ड नहीं होता है, बल्कि ये ऑटोसोमल है, इट इज एन ऑटोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल डिजीज, ये भी आप ध्यान में रखिए, हीमोफिलिया सी इज ऑटोसोमल डिजीज, क्योंकि यहाँ पे जो डीन जीन डिफेक्टेड होता है वो किस पे प्रेजेंट होता है, जीन डिफेक्टेड, जीन डिफेक्टिव इज प्रेजेंट not on sex chromosome, not on X chromosome, but on
क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर कंसर्न। ओके, और कौन सा फैक्टर एब्सेंट होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर 11 इज एब्सेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 फैक्टर एब्सेंट, इसका नाम क्या है, PTA दैट इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। सो हीमोफीलिया सी इज नॉट ए सेक्स लिंक्ड, इट इज ऑटोसोमल डिजीज वेयर द जीन डिफेक्टेड इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4 विच इज एन ऑटोसोम। सो व्हाट इज द काज, व्हाट इज द काज इज दैट इज फैक्टर 8 फैक्टर सॉरी फैक्टर 11 इज एब्सेंट हेयर। So, this is all about the hemophilia C.